हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म बायोलॉजी प्लैनेट में मैं इमरान आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो सीरीज चल रही है आपकी इस चैनल पे, वो इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है। सवाल उठता है कि आखिर यहीं से स्टार्टिंग क्यों नहीं क्यों की गई, इसके अलावा कहीं और से या किसी और टॉपिक से शुरुआत क्यों नहीं करी गई। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये लगता है कि ये जो इकोनॉमिक बॉटनी है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम है और बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जिसे बहुत बार रिवीजन की ज़रूरत है, मुझे लगता है शायद वो टैक्सोनॉमी है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लांट्स के बारे में, इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में, और इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ शिफ्ट करेंगे जिसका नाम होगा टैक्सोनॉमी। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे इकोनॉमिक प्लांट्स पढ़े हुए हैं, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मेडिसिन्स मिलती हैं, तो मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं वो साइंस के जिस ब्रांच में डिस्कस किए जाते हैं उन्हीं को हम लोग फार्मा कॉग्नेसी के नाम से जानते हैं। प्लांट के वेरियस पार्ट होते हैं जैसे बार्क, रूट, लीफ, फ्लावर्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमें डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन्स मिलती हैं, तो डिस्कस करेंगे वन बाय वन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। पहली कैटेगरी है कि ड्रग्स जो हम लोगों को मिलती कहाँ से है, रूट से। इसमें पहला है हमारा ब्लाडोना, साइंटिफिक नेम होता है एट्रोपा ब्लाडोना, और इसकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी है। एट्रोपा ब्लाडोना के अंदर एक एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है जैसे कि हम लोग एट्रोपाइन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये आई टेस्टिंग और डायलेशन ऑफ प्यूपल के लिए यूज किया जाता है। अगला है एकोनाइट। एकोनाइट के अंदर एक एल्केलॉइड प्रेजेंट है, उस एल्केलॉइड का नाम भी एकोनाइट ही होता है। इसका साइंटिफिक नेम एकोनिटम फेरॉक्स होता है, ये आपका रैनैनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इस एल्केलॉइड का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो रूमेटिज्म में किया जाता है, नर्व सेडेटिव के फॉर्म में किया जाता है, और जिन लोगों को एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, सरपेंटाइन। सरपेंटाइन हम लोगों को सरपेंटाइन रॉल्फिया से मिलता है, और इस की जो फैमिली है वो एपोसाइनेसी है। इसके अंदर जो एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग रिजरपाइन के नाम से जानते हैं, और इसका इस्तेमाल हाइपर टेंशन के लिए और ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अश्वगंधा, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, बिल्कुल गुणों से भरपूर है ये आपका। साइंटिफिक नेम है विथानिया सोमनीफेरा, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अंदर भी रिजरपाइन पाया जाता है। बहुत सारे नर्वस डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, एक्साइटमेंट, इंसोमनिया यानी जिसे नींद नहीं आती है, इपिलेप्सी, ये कुछ नर्वस डिसऑर्डर हैं जिसमें हम लोग अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अश्वगंधा के अंदर हाइपर टेंशन को रिड्यूस करने की पावर होती है, और ये ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट होता है। ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जिनके अंदर कॉलमिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स वो होते हैं जो एनजाइटी वाले पेशेंट को, डिप्रेशन वाले जो लोग होते हैं उनको थोड़ा काम कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट। तो अश्वगंधा को हम ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एसेफोर्टिडा, जिसे कि हम लोग हींग बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका होता है फेरुला एसेफोर्टिडा, ये अम्लीफेरी या फिर एपिसाइनेसी से बिलोंग करती है, और इससे हम लोगों को एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जड़ होती है जिससे हम लोगों को एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है, तो मेडिसिनल प्लांट में फिलहाल वो एसोफोटिडा यानी कि हींग है जिसकी रूट से हमें एक रेजिनस सब्सटेंस मिलता है। तो ये एक कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई ऐसी ड्रग्स जो हम लोगों को मिलती हैं कहाँ से, अंडरग्राउंड स्टेम से, ठीक। तो उसमें पहला है हमारा
टर्मेरिक, इसे हम लोगों ने स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में भी डिस्कस किया हुआ था, और इसकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। तो कुरकुमा लौंगा इसका साइंटिफिक नेम है, या फिर इसी को हम लोग कुरकुमा डोमेस्टिका के नाम से भी जानते हैं। जिंजिबरेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, इसके पहले की क्लास में भी ये डिस्कस किया जा चुका है। अगला है हमारा जिंजर। जिंजर की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जिंजिबर ऑफिसिनेल होता है, जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन इज अनियन, एलियम सेपा, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज गार्लिक, जिसका नाम है एलियम सेटाइरम, ये भी आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जितनी भी हैं जो आपने अभी अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ये सारी की सारी आपको स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में भी एक्सप्लेन करी जा चुकी है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम बार्क, यानी जो प्लांट का बार्क होता है, जिसे कि हम लोग छाल कहते हैं, उस छाल से भी हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिन मिलती हैं। इसमें पहला है आपका सिनामन, साइंटिफिक नेम होता है सिनामोमम जे लेनिकम, ये आपका लवरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें जो अगला है बार्क वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्यूनीन, क्यूनीन एक दवा है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करी जाती है, और ये क्यूनीन एंटी पायरेटिक्स होती है, यानी टेम्परेचर को लोअर करने वाली एक ड्रग है ना, टेम्परेचर को लोअर कर देती है। मलेरिया में बहुत तेज फीवर आता है ना, तो ये एंटी पायरेटिक है, यूजुअली टेम्परेचर को डाउन कर देती है। और ये क्यूनीन हमें जिससे मिलती है, उस प्लांट का नाम है सिंकोना। तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस ये आपका प्लांट है, और इस प्लांट से हमें क्यूनीन मिलती है, और इस क्यूनीन का इस्तेमाल हम लोग मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। सिंकोना प्लांट रूबीएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स ऑब्टेंड फ्रॉम स्टेम एंड वुड, यानी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो हमें स्टेम्स और वुड से मिलती हैं। इसमें पहला है हमारा इफेड्रा, इफेड्रा से जो आपको ड्रग्स मिलती है उसका नाम है इफेड्रिन, इफेड्रिन, और ये आपका इफेड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका इस्तेमाल अस्थमा या फिर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए किया जाता है, यानी जिनको सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में कोई दिक्कत वगैरह रहती है, तो उनको हम लोग इफेड्रिन दे सकते हैं। अगला है ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर्स, यानी कि स्टाइल और स्टिग्मा। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है सैफ्रॉन एंड दी केसर, इसका साइंटिफिक नेम होता है क्रोकस सेटाइवस, और ये इरिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केसर की भी अपनी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स। फ्रूट्स में पहला है वुड एप्पल, जैसे कि हम लोग बेल के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम एजल मार्मेलॉस होता है, ये रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसके अंदर टेनिक एसिड बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला काफी इंपॉर्टेंट भी है, बात करेंगे ओपियम के बारे में, जिसे कि हम लोग अफीम के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम पापावर सोमनीफेरम होता है, और ये पापावरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी कुछ खासियत बताई गई है कि इसमें जो प्लेसेंटेशन होता है वो आपका पेराइटल टाइप का होता है, और जो इसका फ्रूट होता है वो कैप्सूल है। अफीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो लेटेक्स वाला पार्ट होता है वो कंटेन करता है एक एल्कलॉइड, और इस एल्कलॉइड को हम कहते हैं मॉर्फिन या फिर कोडीन। ये जो मॉर्फिन और कोडीन होता है ये क्रिएट करता है सेंस ऑफ यूफोरिया, काफी अच्छा लगता है अफीम लेने के बाद, तो उसी को हम लोग कहते हैं सेंस ऑफ यूफोरिया। पर इंसान सारे दुख गम तकलीफ सब भूल जाता है ना, और अपनी एक अलग दुनिया है उसी में वो आराम से जीता है। जिस फॉर्म में अफीम को लिया जाता है उसे हम लोग हीरोइन कहते हैं, या बहुत ही कॉमन भाषा में उसे हम लोग स्मैक के नाम से जानते हैं। तो ये जो हीरोइन है या फिर जो ये स्मैक है, ये बनाया कैसे जाता है? तो अफीम से हमें एक एल्केलॉइड मिलता है जिसका नाम होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन का हम करते हैं एसिटिलेशन। ठीक है, मॉर्फिन का क्या किया जाता है? एसिटिलेशन किया जाता है, और मॉर्फिन के एसिटिलेशन से ही क्या बनती है? स्मैक बनती है। तो अगर हम केमिकली देखें, यानी केमिकल
केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो मॉर्फिन, ये जो स्मैक है ये क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डाई एसिटिल मॉर्फिन, या कैसे बनाया जाता है, एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन से ये प्रिपेयर किया जाता है। खतरनाक है अपने आप में, जरूरत से ज्यादा लेंगे तो नुकसान पहुंचाएगी, और अगर जरूरत भर का ही लेंगे तो एज अ दवा काम करेगी। अगला ब्रांड डिस्कस करते हैं हॉलीबेसिन, जैसे कि हम लोग तुलसी के नाम से जानते हैं। तुलसी मोस्टली सभी के घरों में रहता है और बहुत सारे अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज से हमारा तुलसी जो है वो हरा भरा है। इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑसिमम सैंक्टम, लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ओवरटी सिलास्टर होता है। इसमें जाइनोबैसिक स्टाइल प्रेजेंट होती है, और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि ये मॉस्किटो रिपेलेंट होता है ना। अगर आप लोग इसे कमरे वगैरह में रखते हैं तो यूजुअली वहाँ मच्छर आने के थोड़ा चांसेस कम होते हैं। और इसके अंदर जो ऑयल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग यूजिन ऑयल ऑयल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी और इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती हैं। यानी अगर हम तुलसी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल गुणों वाला पौधा है ना। और हमारे भारत में तो तुलसी की पूजा भी की जाती है। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। अगली क्लासेस में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।